माल प्रैक्टिसेस और प्रोफेशनल नेगलिजेंस, ये पेज नंबर है आपका 7। द सिटीजन्स एंट्रस्ट देमसेल्व्स टू द केयर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द होप दैट ही वुड एक्सरसाइज हिज एक्सपर्ट नॉलेज टू द ट्रीटमेंट ऑफ हिज इलनेस एंड शैल एक्सरसाइज ऑल रीजनेबल केयर एंड अटेंशन इन गेटिंग हिम राइट ऑफ डिजीज परपोर्टेड टू बी क्योर्ड। इतनी सी बात के जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, अपनी एक तरह से जान जो है वो उस डॉक्टर के हवाले कर देते हैं इस एतमाद के साथ ये कि ये हमारा प्रॉपर और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करेगा और हमें जिस बीमारी की वजह से हम इस डॉक्टर के पास आए हैं ये हमें उस बीमारी से निजात दिला देगा। The medical practitioner is thus bound in duty to exercise all reasonable degree of skill and care in the treatment of his patient. और इसी एतमाद की वजह से जो लीगल मेडिकल प्रैक्टिशनर है या डॉक्टर है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी तमाम पेशा वराना महारत को और तमाम एहतियात को बरोएकार लाते हुए उसका इलाज करे, अपने मरीज का इलाज करे। The medical practitioner may, in case of failure to exercise reasonable degree of skill and care, find himself within the clutches of the law of negligence and be either sued for damages in a civil court or be charged for the criminal negligence before a criminal court. और अगर कोई भी डॉक्टर जो है वो गफलत बरतता है अपने उस पेशा वराना महारत से या इलाज से रिलेटेड तो उसके खिलाफ डैमेजेस के लिए सूट, सिविल सूट भी फाइल किया जा सकता है और इसके अलावा उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी की जा सकती है, फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है उस डॉक्टर के खिलाफ उस नेगलिजेंस की वजह से। और अगर कोई नुकसान होता है तो सिविल कोर्ट में डैमेजेस के लिए सिविल सूट भी फाइल किया जा सकता है। तो डॉक्टर जो है ये उसके खिलाफ नेगलिजेंस को अगर तो प्रॉपर प्रूफ कर दिया जाता है, क्योंकि प्रूफ करना भी जरूरी है, नेगलिजेंस को प्रूफ करना जरूरी है और अगर प्रूफ हो जाती है तो फिर उसके खिलाफ सूट फाइल किया जा सकता है या फौजदारी कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स नंबर 8 पे, medical legal experts, the opinions of medical men are admissible upon questions within their own province, insanity, the cause of disease or death or injuries, the effect of injuries, medicines, poisons, the consequence of wounds, the condition of gestation, the likelihood of recovery and what not, only that much statement of a medical witness is admissible in evidence which refers to the expert medical opinion and no other. तो जितने भी डॉक्टर्स होंगे या मेडिकल लीगल एक्सपर्ट्स होंगे उनकी जो ओपिनियन है या उनकी जो एविडेंस है वो एडमिजिबल तस्लीम की जाएगी किसी बीमारी या काज ऑफ डेथ या कोई इंसेनिटी है या किसी भी इंजरीज के हवाले से। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 12 पे, केमिकल एनालिसिस एंड रिपोर्ट। पेज नंबर 12, द केमिकल एग्जामिनर हैज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल वर्क स्पेशली इन एन अलेज्ड केस ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का तज्जिया करते हुए जो केमिकल एग्जामिनर है उसकी इंतहाई अहम जिम्मेदारी आयद होती है। दिस इज ऑल द मोर सो इन व्यू ऑफ सेक्शन 510 सीआरपीसी व्हिच मेक्स हिज रिपोर्ट इटसेल्फ एविडेंस without his figuring as a witness and subjecting himself to cross examination, kyunki uski mehaz report ka 110 ke तहत 510 ke तहत uski report ka aana jo bhi us report mein jo uski statement hogi wo bhi admissible hai, chahe use batore gawah bulaya jaye ya na bulaya jaye, bagair usko bulaye bhi uski jo report hai wo admissible hoti hai, लिहाजा जिम्मेदारी का तायुन इस बात से किया जा सकता है। द केमिकल एग्जामिनर और हिज असिस्टेंट्स हु रिसीव्स द आर्टिकल्स फॉर एनालिसिस फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर्स शुड फर्स्ट वेरीफाई द सील्स एंड कंपेयर द लेबल्स विद द इनवॉइस लिस्ट ऑफ द मटेरियल्स
सेंट जो सैंपल्स मेडिकल एग्जामिनर को या उसके असिस्टेंट्स को भेजे जाते हैं, सबसे पहले उन्हें ये चेक करना चाहिए कि क्या प्रॉपर उनको सील किया गया है, या जो एक प्रोसीजर होता है सील करके उसके ऊपर किसी के सिग्नेचर्स, जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर जिसने उनको भेजा है उसके बाकायदा उसके ऊपर सिग्नेचर हैं, वो बाकायदा सील किया गया है, सिक्योर है. He must note whether and how they were secured and what quantity was received of each article by the weight or measure. उनकी पैमाइश के कितना सैंपल या कितनी मिकदार में या कितनी उसकी जो क्वांटिटी है वो होनी चाहिए थी और कितनी में वो आया है. The identity of all substances should be carefully maintained since all legal authorizes insist on proof of identity. जितने भी सब्सटेंसेस मतलब जो चीज़ें भेजी गई हैं उनकी आइडेंटिटी वगैरह, उनकी शनाख्त के लिए जो भी एक प्रॉपर तरीकाकार होता है उसके मुताबिक उनको सिक्योर करने के लिए एहतियात से काम लिया जाएगा. क्लीन सर्फेसिस एंड वेजल्स मस्ट बी यूज टू अवॉइड डाउट्स एज टू वेदर द पॉइजनस सब्सटेंसेस माइट नॉट हैव बीन एक्सीडेंटली प्रेजेंट ऑन द सर्फेसिस एंड और इन द वेजल्स यूज्ड. जो वेजल्स जो वो छोटी छोटी सुराइयाँ या बोतलें इस्तेमाल की जाती हैं सब्सटेंसेस के लिए या सैंपल्स लेने के लिए, उनके लिए ज़रूरी है कि वो मुकम्मल तौर पे साफ़ हों, बिल्कुल साफ़ और शफाफ हों, कहीं इस बात का इम्कान भी मौजूद ना हो कि शायद कोई जहर या कोई इस तरह का जो पॉइजन है वो पहले से उस पर मौजूद था. नथिंग इज़ टू नाइस और ट्रिवियल व्हेन अ मैनस लाइफ डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस. अब ये सारी एहतियात जो है वो इससे कतर नजर जो है इसे हम लोग गफलत नहीं बरत सकते, क्योंकि किसी शख्स की जिंदगी या मौत इसी एक तजिए की जो रिपोर्ट है उस पर भी डिपेंड कर रही होती है. द एनालिस्ट शुड कीप ऑल द सब्सटेंसेस इन हिज कस्टडी सील्ड एंड अंडर लॉक एंड की. और जो सब्सटेंसेस या जो सैंपल्स उसको दिए जाते हैं वो उनसे मुतल्लिक बहुत एहतियात बरतेगा, उनको अपनी कस्टडी में रखेगा और बाकायदा उन्हें ताले में रखेगा.
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी आप तक? ओके अच्छा, एक्चुअली ये पता नहीं क्या हुआ है, सिग्नल्स बिल्कुल खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए थे। अच्छा सीरोलॉजिस्ट पे थे हम लोग। सीरोलॉजिस्ट कौन होता है? पेज नंबर 15 पे। सीरोलॉजिस्ट इज अ हाईली रिस्पॉन्सिबल एंड अ क्वालिफाइड साइंटिस्ट हु वुड नेवर वेंचर टू गिव एनी डेफिनेट ओपिनियन ऑन अ क्वेश्चन अनलेस ही हैड द फुलेस्ट scientific data in support of his conclusion, his opinion therefore is entitled to great weight. अब सीरोलॉजिस्ट जो है ये एक इंतहाई कहते हैं कि जिम्मेदार साइंसदान होता है, जो तजियाकार या सीरोलॉजिस्ट या जो एग्जामिन करते हैं मुख्तलिफ पॉइजंस को, या फिर तो ये अपनी जो जो ओपिनियन या जो रिपोर्ट तैयार करके इन्होंने देनी है उसके नतीजे में तो बहुत इंतहाई, जब तक ये किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच जाते, ये अपनी कोई ओपिनियन नहीं देते या अपनी कोई रिपोर्ट इशू नहीं करते जब तक उसको पूरी तरह से किसी नतीजे पर ना पहुंच जाए। जी आवाज में क्या इशू है रोजीना? सिर्फ आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है आवाज? किसी को भी आवाज नहीं आ रही? जी अब बताइए, अब आवाज क्लियर है? ओके अच्छा जी, अब सीरोलॉजिस्ट क्या है? ये एक इंतहाई जिम्मेदार साइंसदान होता है जो जब तक किसी हतमी नतीजे पे ना पहुंच जाए ये अपनी ओपिनियन या अपनी रिपोर्ट जो है वो आगे नहीं देता। लिहाजा यही वजह है के इसके इसी एहतियात को देखते हुए जो इसकी रिपोर्ट होती है ये एडमिसिबल होती है, और इसकी जो रिपोर्ट या इसकी जो ओपिनियन है उसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आ जाइए जरा पेज नंबर 18 पे, कोरोनर। Coroner is an officer appointed by the government to hold an inquiry of deaths suspected as unnatural and suspicious in his jurisdiction. अब coroner होता कौन है? Coroner का समझ लें कि सेम ये वही शख्स होता है जिस तरह हमारे यहाँ पे मैजिस्ट्रेट, जिसके पास इख्तियार है इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करने का 176 के तहत, जो इख्तियारात एक मैजिस्ट्रेट के पास होते हैं इंक्वायरी करने के इन टू द काज ऑफ डेथ, सेम वही इख्तियारात कोरोनर के पास होते हैं। इन पाकिस्तान ओनली कराची सिटी पजेस कोरोनर्स। अब सिर्फ कराची पाकिस्तान में ऐसा शहर है जहां कोरोनर्स पाए जाते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं। पाकिस्तान के बाकी इलाकों में कोरोनर्स नहीं होते, बल्कि यहां इंक्वेस्ट रिपोर्ट 176 के तहत जो है वो मैजिस्ट्रेट्स ही तैयार करते हैं और वही इंक्वायरी करते हैं। In other towns, districts, magistrates and other magistrates are ex-officio coroners. Ex-officio coroners, coroner जो है, क्योंकि बजाते खुद magistrate नहीं होता, लेकिन बाकी इलाकों में जब किसी magistrate को ex-officio से मुराद पहले से magistrate के पास ओहदा होता है, लेकिन जो coroners की जो responsibilities होती हैं, वो extra जो है magistrate को additional उसकी जो powers या उसके जो इख्तियारात होते हैं, वो उसको असाइन कर दिए जाते हैं। जिस तरह से 22
ए और 22B के तहत जो जस्टिस ऑफ पीस है, जस्टिस ऑफ पीस, अगर सिर्फ जस्टिस ऑफ पीस की बात की जाए तो ना तो वो सेशन जज है और ना ही वो एडिशनल सेशन जज होता है, लेकिन जो पहले से अपॉइंटेड सेशन जजेस या एडिशनल सेशन जजेस हैं, उन्हें अगर इस ओहदे की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सीट है, ओहदा है, और इसी ओहदे के साथ एडिशनल इख्तियार उनको जस्टिस ऑफ पीस का दे दिया जाता है, तो यहाँ पे भी सेम वही बात है। मजिस्ट्रेट जो बाकी इलाकों में है, अगर वो इंक्वायरी करते हैं और अगर ये इंक्वायरी इनटू द काज ऑफ डेथ, किसी डेथ के से रिलेटेड है, उसकी काज के बारे में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करनी है, तो फिर हम 176 के तहत जो मजिस्ट्रेट होगा उसे कॉरोनर्स के इख्तियारात भी असाइन कर देते हैं। यहाँ पंजाब में या बाकी इलाकों में सिर्फ कराची में कॉरोनर होता है। कॉरोनर कौन है? ये एक अपॉइंटेड पर्सन है जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसका काम है डेथ की सूरत में इन्वेस्टिगेशन करना काज ऑफ डेथ के बारे में। जब किसी शख्स की डेथ होती है तो उसकी काज ऑफ डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी काज ऑफ डेथ के बारे में अंदाजा लगाना उसकी डेथ कैसे हो सकती है, सुसाइड, कत्ल या कोई एक्सीडेंट वगैरह। तो इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो अथॉरिटी है वो कॉरोनर है, दूसरे लफ्जों में। ठीक है ना? अब ये समझ आ गई। कॉरोनर जो है ये बेसिकली ये एक अपॉइंटेड पर्सन है जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, अगर किसी जगह किसी शख्स की डेथ काज होती है तो ये इंक्वायरी करेगा या इन्वेस्टिगेशन करेगा कि उसकी काज ऑफ डेथ का पता लगाया जाए। और यही इख्तियारात सेम हमारे यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको दे दिए जाते हैं 176 CRPC के तहत, कि वो काज ऑफ डेथ की इंक्वायरी या उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। आप क्लियर हो गए कोरोनर और हमारे यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट हैं इनकी जो इख्तियारात हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट की हद तक, काज ऑफ डेथ की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सेम है। ऑल्दो दे सेल्डम एक्ट एज सच इन अदर टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड अदर मजिस्ट्रेट्स आर एक्स ऑफिशियो कोरोनर्स, ऑल्दो दे सेल्डम एक्ट एज सच। यानी मजिस्ट्रेट जो है ये एक्स ऑफिशियो कॉरोनर्स हैं, लेकिन अमूमन कॉरोनर जो है, अब जिस तरह एक पुलिस ऑफिसर जाएगा, जाए वकुआ पे, लाश का मुआयना करेगा और उससे रिलेटेड उसके जो जख्म या फिर अगर कोई हथियार जो भी उसके आसपास उसकी बॉडी की जो भी कंडीशन होगी उसके बारे में जायजा लेगा, लेकिन हम अमूमन हमारे यहाँ पे ये सारा काम पुलिस ऑफिसर्स ही करते हैं। मजिस्ट्रेट खुद जाके जाए वकुआ पे किसी भी बॉडी का एग्जामिन नहीं करता, जबकि कोरोनर जो है ये पर्सनली जाके जाए वकुआ पे बिल्कुल एक पुलिस ऑफिसर की तरह बॉडी का एग्जामिन करेगा, उसके जख्मों की, उसके फ्रैक्चर्स की या फिर जो भी वहां पे उसने एक रिपोर्ट तैयार करनी है वो ये करेगा। कोरोनर्स कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड नॉट अ कोर्ट ऑफ ट्रायल। कोरोनर बेसिकली, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करना, ट्रायल करना इसका काम नहीं है। ट्रायल जो है वो कौन करेगा? वो मैजिस्ट्रेट करेगा। तो हमारे यहाँ जब कोरोनर और मैजिस्ट्रेट दोनों के इख्तियारात सेम कर दिए जाते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इंक्वायरी भी कर सकता है और ट्रायल भी कर सकता है। एट द कोरोनर्स कोर्ट नो अक्यूज्ड इज टू बी प्रेजेंट बट एनी सस्पेक्टेड पर्सन शुड इफ पॉसिबल बी प्रेजेंट। कोरोनर के सामने मजिस्ट्रेट अगर बुलाए तो फिर कोई भी शख्स समन करके या वारंट के जरिए कोर्ट के सामने अपीयर हो सकता है, लेकिन कोरोनर जो है उसके सामने जरूरी नहीं है कि अक्यूज्ड पर्सन अपीयर हो। द अक्यूज्ड हैज द राइट ऑफ प्रोड्यूसिंग विटनेसेस, क्रॉस एग्जामिनिंग विटनेसेस आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज काउंसल। द अक्यूज्ड कैन मेक एनी स्टेटमेंट व्हिच ही मे थिंक फिट। द कोरोनर सेंड्स द अलेज्ड इफ फाउंड गिल्टी टू द प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट फॉर ट्रायल इन अ प्रॉपर मैनर। रिपोर्ट तैयार करने की सारी जिम्मेदारी विटनेसेस और उसकी जो स्टेटमेंट वगैरह होगी अक्यूज्ड पर्सन की, और फिर उसको ट्रायल के लिए कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना, ये सारी कोरोनर्स की जिम्मेदारियां होती हैं। तो कोरोनर्स जो हैं इनके ऊपर अक्सर नोट लिखने के लिए भी आ जाता है कोरोनर कौन है और क्या पंजाब में कोरोनर्स होते हैं या नहीं। तो ये सारा इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ अ कोरोनर पेज नंबर 19 पर, इसी के बाद
कॉलोनल क्या क्या कर सकता है, ये सारी इसकी ड्यूटीज भी, ये कोई 8-9 के करीब जो है ये इसकी ड्यूटीज बता दी गई हैं, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। उसके बाद लीगल प्रोसीजर एट एन इंक्वेस्ट, जब इंक्वेस्ट हो रहा होगा यानी इंक्वायरी हो रही होती है, तो कॉरोनर्स की अब वहां पे क्या क्या वो जिम्मेदारियां अपनी करेगा और क्या काम कर सकता है। कत्ल केसेस में, डेथ केसेस में, वो डेथ चाहे इंसिडेंट एक्सीडेंट से हुई है, पॉइजन से हुई है, किसी एनिमल या मशीनरी में, या किसी एक्सीडेंट की सूरत में, या किसी ने सुसाइड की है, क्योंकि कॉरोनर का बेसिक पर्पस क्या है, ये पता लगाना कि जिस शख्स की डेथ हुई है क्या उसे कत्ल किया गया है, या फिर ये कोई नेचुरल जो उसकी डेथ हुई है, तबई मौत मरा है, या फिर उसे किसी ने कत्ल किया है। बेसिकली ये काज ऑफ डेथ को इन्वेस्टिगेट करता है, काज ऑफ डेथ का पता लगाता है। जी, पंजाब में पुलिस ऑफिसर करता है, और पुलिस ऑफिसर जो है ये मैजिस्ट्रेट की सुपरविजन में करता है, लेकिन कराची में कॉरोनर्स जो होते हैं, जो तमाम जितने भी फंक्शंस यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर करता है, वो तमाम फंक्शंस कराची में कॉरोनर करता है। लेकिन पंजाब में कॉरोनर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो एक्स ऑफिशियो मैजिस्ट्रेट्स को असाइन कर दी जाती हैं। अब कॉरोनर्स इंक्वेस्ट इन लाहौर एंड कराची, द कॉरोनर विद द हेल्प ऑफ अ ज्यूरी होल्ड्स इंक्वेस्ट और इंक्वायरीज इन द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे कराची में तो कॉरोनर्स होंगे, लेकिन लाहौर में कौन होंगे? मैजिस्ट्रेट्स, जिनको कॉरोनर्स की पार्स असाइन कर दी जाएंगी। अब ये डेड बॉडी से रिलेटेड जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट अपनी या इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो तैयार करेंगे, उसमें ये नीचे जो है एक डिटेल दे दी गई है कि कौन कौन सी चीजों को वो मद्देनजर रखेंगे, इसको भी आप खुद पढ़ सकते हैं। इफ द बॉडी, चले मैं इसको कर देती हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन। इफ द डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन इज लेइंग विद इन द कॉरोनर्स ज्यूरिसडिक्शन एंड देयर इज कॉज टू सस्पेक्ट दैट सच पर्सन डाइड अ सडन डेथ ऑफ व्हिच द कॉज इज अननोन, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है और पता नहीं चल रहा कि किस वजह से इसकी डेथ हुई है, लेकिन वो नेचुरल डेथ नहीं लग रही, सस्पेक्शन है, सस्पेक्ट है कि पता नहीं इसको किसी ने कत्ल किया है। इफ देयर इज रीजन फॉर दी सस्पिशन, और सस्पिशन शक की वजह भी है, ग्राउंड्स भी हैं। नंबर वन, डेथ वाज कास्ट बाय होमिसाइड, सुसाइड और इन्फेंटिसाइड। अगर वो डेथ होमिसाइड कहते हैं कत्ल को, सुसाइड अगर किसी ने खुदकुशी की है, और इन्फेंटिसाइड जो छोटे बच्चों को जो है वो मार दिया जाता है। डेथ बाय वायलेंट और अननेचुरल मीन्स, तशद्दुद करके या फिर गैर कुदरती या गैर फितरी तरीके से किसी की डेथ काज कर दी गई हो। आल्सो दैट्स ड्यू टू स्टारवेशन, फाकाकशी से किसी को भूखा रख के, एक्सपोजर और निगलेक्ट, या फिर किसी को एक्सपोजर से मुराद किसी को इंतहाई सर्दी में या इंतहाई धूप और गर्मी की हालत में किसी को रखा गया है, और उसकी बाबत जो है वो नेगलीजेंस बरती गई है। दूसरे नंबर पे, द डेथ वाज कास्ट बाय एन एक्सीडेंट और पॉइजन और ड्रग मिसहैप और मशीनरी, या किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी को जहर दिया गया है, या ड्रग मिसहैप यानी जरूरत से ज्यादा किसी को नशा आवल चीज दे दी गई है, या किसी मशीनरी की वजह से टोके वगैरह में, या फिर कोई इस तरह के जैसे अभी बुलडोजर वगैरह होते हैं उनकी जद में आ गए, अगर किसी की डेथ हो जाती है, एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट इंजरी और एक्सपोजर इन एनी इंडस्ट्री और टैटनस। इन सूरतों में अगर किसी की डेथ काज हो गई हो, तो डेथ वाज कास्ट बाय एन अकरेंस अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ व्हीकल इन द स्ट्रीट, पब्लिक रोड और अ प्राइवेट प्लेस। अगर किसी एक्सीडेंट के नतीजे में किसी गाड़ी, मोटरसाइकिल या इस तरह की किसी की जद में आके डेथ हो जाती है, दिस कुड इंक्लूड एनी डेथ कास्ट बाय पेरेम्बुलेटर, बाथ चेयर, बाइसिकल्स एंड ट्रेन फैटलिटी। ये सारी जो है ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कोई ट्रेन से गिर जाए, जो कोई गाड़ी से गिर जाए, नीचे आ जाए, टक्कर लग जाए, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी कि किसी ऐसी वजह से डेथ हुई है। तो नंबर फोर पे, द केसेस वेयर द काज ऑफ डेथ इज सर्टिफाइड और गिवन एज पोस्ट ऑपरेटिव शॉक और हेमरेज, दीज आल्सो इंक्लूड ऑल डेथ ड्यूरिंग द ऑपरेशन और अंडर एनेस्थीसिया।
ऐसे केसेस जिसमें काज ऑफ डेथ जो है वो सर्टिफाइड कर दी जाती है, पोस्ट ऑपरेटिव शॉक से मुराद किसी को जैसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद किसी की इंतहा ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती, कोई ऐसी वेन ऑपरेट के दौरान कट जाती है जहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर हेमरेज हो जाता है, या फिर बाज दफा किसी को जरूरत से ज्यादा नशा दे के बेहोश किया जाता है और उसी नशे की हालत में उसकी डेथ भी हो सकती है, और ये ऑपरेट करने के दौरान ही। डेथ अकर्ड इन सर्कमस्टांसेस द कंटिन्यूएंस और पॉसिबल रिक्योरेंस ऑफ विच इज प्रेजुडिशियल टू द हेल्थ और सेफ्टी ऑफ द पब्लिक, या डेथ जो है वो इन हालात में हुई है जिसकी वजह से एक जो पे पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक हेल्थ की खिलाफ वर्जी अगर कर दी गई है और उस खिलाफ वर्जी के नतीजे में किसी की डेथ हो जाती है। अमूमन जो फॉर एग्जाम्पल जैसे डेंगी मच्छर आता है तो उसके लिए स्प्रे करना पड़ता है, तो स्प्रे करते हुए जो स्प्रे किया जा रहा है अगर उस स्प्रे के में अगर कोई केमिकल या जो भी उसमें होता है उसके उसकी मिकदार वगैरह में उसकी मिकदार का तयन करते हुए किसी तरह की कोई गफलत बरत दी गई है तो वो दिस वुड इंक्लूड ऑल सस्पेक्टेड और अलेज्ड डेथ्स ड्यूरिंग एन ऑपरेशन और अंडर एनेस्थीजिया और डेथ ड्यू टू रेयर इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये सारी चीजें जो है वो इसमें शामिल हो जाएंगी। और इन सब चीजों के बारे में अगर ये तासुर पाया जाता है कि डेथ जो है ये किसी तरह से नेचुरल या तबई नहीं है बल्कि हो सकता है किसी ने कत्ल करने की कोशिश की हो। नंबर थ्री, डेथ्स अकरिंग इन जेल और इन एनी प्लेस ऑफ डिटेंशन विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हिज कोर्ट्स, या जेल में जो अमवात हो रही होती हैं या फिर कोई ऐसी प्लेस जैसे जेल के अंदर या थाने में जो कि अदालत की ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी ऐसी जगह आती है, वो थाना है या कोई और प्राइवेट डिटेंशन जहाँ पे किसी को रखा गया हो, तो ये दोनों सूरतों में ये सारी जो है कंडीशंस हैं शकूक की बिना पे इन्वेस्टिगेशन करेगा। एक मिनट वेट कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद है पुलिस इंक्वेस्ट। द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन यूजुअली अ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इज फोर्स्ड टू इंक्वायर इमीडिएटली इनटू द अननेचुरल एंड डेथ्स सस्पेक्टेड ऑफ फाउल प्ले। ये जो 174 के तहत पुलिस ऑफिसर्स को इख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इनटू द काज ऑफ डेथ। He conducts the inquiry at the site of death with two witnesses of the area. इसके साथ आपका सेक्शन जो है 174 वो आप मिला के सेम वही चीज जो 174 में मौजूद है यहाँ पर भी वही चीज दोहराई गई है कि वो किस तरीके से जो इंक्वायरी होगी वो करेगा। He sends the information of the death to the concerned magistrate. Magistrate को वो intimate कर देता है जाए वकुआ पर जाने से पहले। He can request the medical officer to conduct the postmortem in doubtful cases. इसके अलावा वो जो medical officers हैं उनको death की सूरत में पोस्टमार्टम के लिए भी वो केसेस भेज सकता है। द मेडिकल ऑफिसर इज ऑब्लाइज्ड टू रिपोर्ट ऑन द पोस्टमार्टम डन एंड गिव अ
probable cause of death to the police official accompanying the dead body. ये जो जब जाए वकुआ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर पहुंचता है तो वहां पे जो नेबरिंग एरिया के दो या फिर दो से ज्यादा ट्रूथफुल विटनेसेस जो होंगे, मुअज्जिज़ीन जो होंगे, उनकी विटनेस उनको बना के या उनकी गवाही में या उनके सामने जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो जख्मी या फिर जो उस वक्त डेड बॉडी मौजूद होती है उसके जख्मों का, उसके जो फ्रैक्चर्स हैं, किस वेपन के साथ उसको जख्म लगाए गए हैं और जो कत्ल हुआ है, आला एक कत्ल वहां पे मौजूद है, कौन सा है, इन तमाम चीजों का वो जायजा लेगा और जायजा लेने के बाद जो डेड बॉडी है वो भेज देता है मेडिकल ऑफिसर्स की तरफ. साथ में एक डॉकेट बनाएगा. डॉकेट क्या होता है, जो बजाहर जब वो जाता है, जाके डेड बॉडी का वो मुआयना करता है, आसपास के जो हालात होंगे वो उन तमाम से रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार करता है, अपना एक ओपिनियन जो है वो भी उसमें वो लिख के, तो फिर उसके जो भी साजो सामान या कोई सैंपल्स वगैरह या जो लाश के आसपास चीजें बरामद होती हैं वो सारी की सारी जो है सील करके वो भेज देता है लैब में, या फिर जो मेडिकल ऑफिसर के पास जानी होती है वो एक पुलिस ऑफिसर को साथ भेजेगा. पुलिस ऑफिसर जो है डेड बॉडी के साथ जाएगा और तमाम जो सैंपल्स वगैरह उस वहां से इकट्ठे किए होंगे वो भी साथ लेके जाएगा. और जो डॉकेट होता है, डॉकेट क्या होता है, ये एक तरह से जो ओपिनियन, फर्स्ट ओपिनियन होती है आईओ की, वो जिसके तहत वो मेडिकल ऑफिसर को ऑथोराइज भी करता है कि वो इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करे. A detailed report is later sent to the superintendent of the police who in turn forward to the magistrate concerned. Ab jo detailed report aati hai us postmortem ki, us postmortem ki jo report hai yahan pe, wo kehte detailed report jo hai superintendent of police ko bheji jayegi aur superintendent of police jo hai wo report phir magistrate, jo ilaka magistrate hoga, wahan bhej di jati hai. In case of rape, the victim is sent to the medical officer with a full report for a medical examination. Medical examination के लिए अगर किसी शख्स का rape हुआ है तो उसको भेजा जाएगा, full उसकी report जो है वो तैयार करके भेजी जाती है medical officer के पास. उसके बाद अगला हमारा जो page number 23 पे आप आ जाएं, exhumation. Exhumation definition सबसे पहले इसकी यहाँ पे बताई गई, it is the examination of a dead body taken out of the grave for the suspicion of a death because of poisoning or any other foul play. किसी शख्स की डेथ हुई है लेकिन बगैर पुलिस को इन्फॉर्म किए उसको दफना दिया जाता है, लेकिन बाद में जो फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस ऐसे सामने आते हैं कि रीजनेबल डाउट पैदा होता है कि शायद इस शख्स को किसी ने कत्ल किया या जहर दिया गया है, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए उस डेड बॉडी की दोबारा एग्जामिनेशन उसको करवाना पड़ता है और उसके लिए कब्र कुशाई की जो है वो जरूरत पड़ती है, जिसे हम एग्जुमेशन कहते हैं. एंटॉप्सिस आर परफॉर्म्ड ऑन एग्ज्यूम्ड bodies in the following circumstances. Autopsies ka matlab hai postmortem, jis tarah postmortem hai isi ka samajh le ke dusra word naam jo hai wo autopsies hai, ke jo exhumed bodies hoti hain, jo qabar se nikali gayi bodies hoti hain, unki kis tarah se unka examination hota hai. Number 1, in criminal cases, homicides, suspected homicide, marked as suicide, suspicious poisoning, death as a result of criminal abortion and malpractice, ye in surton mein jo exhumed bodies hain unka ho sakta hai examination. Dusre number pe civil cases ki baat ki jaye, such as accidental death claim, liability for malpractice, survivorship and inheritance claims or disputed identity. अब सिविल केसेस में जो है क्रिमिनल में तो पता चल गया ना आपको कि अगर कत्ल किया गया है या फिर किसी के बारे में कि शायद किसी ने खुदकुशी की थी या किसी ने उसको जहर दिया था या फिर क्रिमिनल अबॉर्शन के दौरान उसकी डेथ हुई या फिर डॉक्टर्स जो है उनकी नेग्लिजेंस. सिविल मैटर्स में कब्र कुशाई करके किसी डेड बॉडी की एग्जामिनेशन क्यों की जाएगी,
एक्सीडेंटल डेथ क्लेम, अगर इन एक्सीडेंटल डेथ क्लेम कोई करता है, किसी की डेथ हो गई है अचानक, ये जो इंश्योरेंस वगैरह करवाई होती है मरने के बाद कोई ना कोई रकम मिलती है, तो इस सूरत में भी जो है उसको बाहर निकाल के डेड बॉडी को तो देखा जा सकता है कि आया इसने खुदकुशी तो नहीं की महज रकम लेने के लिए, किसी ने इसको कत्ल तो नहीं कर दिया। दूसरे नंबर पे क्या है, लायबिलिटी फॉर मैल प्रैक्टिसेस, या फिर जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनमें से अगर किसी ने किसी की गफलत का नतीजा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सर्वाइवरशिप एंड इनहेरिटेंस क्लेम फॉर डिस्प्यूटेड आइडेंटिटी, अगर एक एक शख्स की डेथ हो जाती है, अब वैसे जो नॉर्मली जो है वो उसके 5 बच्चे हैं, लेकिन कोई और शख्स आके क्लेम करे कि मैं भी इसी का बेटा हूँ, अब उसकी आइडेंटिटी के लिए डीएनए रिपोर्ट भी की जा सकती है और डीएनए के लिए भी उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला जा सकता है सैंपल लेके, कि वाकई वो जो क्लेम करता है कि वो उसी का बेटा है, इनहेरिटेंस के लिए या सर्वाइवरशिप के लिए, उसके लिए भी जो है वो एग्जामिनेशन की जा सकती है। दिस शुड बी कैरिड आउट बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कॉरोनर एंड नंबर 3 पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एग्जामिनेशन की कब जाती है, अमूमन यहाँ हमारे यहाँ जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर सकता है कब्र कुशाई के लिए, और सिर्फ ऑर्डर ही नहीं करेगा बल्कि साथ जाएगा जहाँ से डेड बॉडी निकालनी है उस कब्र पे, बाकायदा उसकी जो है वो हुरमत का ख्याल किया जाता है, टेंट लगाया जाएगा, कोई गैर मुतल्लिका शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं होता, मजिस्ट्रेट होगा, उसका कोई करीबी रिश्तेदार होगा जो डेड बॉडी है, मेडिकल ऑफिसर्स होंगे या पुलिस ऑफिसर्स, तो ये 4-5 जो मुतल्लिका लोग होंगे सिर्फ इनकी निगरानी में कब्र खोदी जाएगी, वहां से सैंपल्स लिए जाएंगे और फिर उसी तरह से कब्र जो है वो बंद कर दी जाएगी और फिर जो टेंट वगैरह वहां पे जो है ये हटा दिए जाते हैं, ये उस सारा जो है क्योंकि वो डेड बॉडी की जो हुरमत है हमारे मजहब में उसका ख्याल रखा जाता है, तो ये सारा उस प्रोसीजर के लिए। अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट ऑर्डर एग्जामिनेशन। After the exhumation, post-mortem examination is done by the medical officer and the parts are sent to the chemical laboratory for analysis. कब्र खोदने के बाद डेड बॉडी से जो samples लिए जाते हैं वो फौरी तौर पर लैब में भेज दिए जाते हैं। अब samples कौन कौन से लिए जाएंगे, following parts are sent for chemical analysis. ये parts जो हैं इनको जो है वो अपने माइंड में रखिएगा कि कौन कौन सी चीजें जो हैं, कौन कौन से samples डेड बॉडी से लिए जाएंगे। अर्थ टेकन फ्रॉम अबव द कफन, जो डेड बॉडी है जो कफन है उसके ऊपर अगर कोई मिट्टी गिरी हुई है वो उठाई जाएगी। अर्थ टेकन फ्रॉम बिलो द कफन, नीचे से। अर्थ टेकन फ्रॉम विद इन द कफन, कफन के आसपास जितनी भी मिट्टी वगैरह जो भी है वो मिट्टी के नमूने वहां से ले लिए जाते हैं, क्योंकि डेड बॉडी जब गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है तो उसके नतीजे में जब गोश्त गलना सड़ना और आसपास की जो मिट्टी होती, जहर जो होता है, अमूमन जहर की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो हड्डियों तक भी सराइत कर चुका हो, तो कई सालों तक भी बेशक गोश्त गल सड़ क्यों ना गया हो, हड्डियां तक जो है वो गलने सड़ने के करीब पहुंच गई हो, तो तब भी उस पॉइजन के आसार जो है वो मिल सकते हैं कब्र से या उस कब्र की मट्टी से जहां पे वो जो लाश है, डेड बॉडी है, उसका गोश्त गल सड़ गया होता है। Hair from the head, hair from the pubes, nails, teeth, bones, heart, stomach, intestine, liver, spleen, kidney. अब ये तमाम जो dead body के जो ये parts of body जो हैं इनसे samples लिए जा सकते हैं जहाँ जहाँ पर भी इम्कान हो कि जहर जो है वो पहुँच चुका होगा। उसके बाद time limit है for examination in Pakistan and England. No time limit. कभी भी चाहे 100 साल भी गुजर जाए तब भी लाश जो डेड बॉडी है जहां उसको दफनाया गया था वहां कब्र से उसके सैंपल्स वगैरह अगर लिए जाएं तो वो जहर या जो भी है वो मौजूद हो सकता है। फ्रांस में 10 साल तक, उसके बाद तमाम आसार खत्म। स्कॉटलैंड में 20 साल तक और जर्मनी जो है वहां 30 साल तक आसार रहते हैं किसी भी डेड बॉडी के गलने सड़ने के बाद, किसी अगर जहर की सूरत में उसकी डेथ हुई है तो। लेकिन पाकिस्तान में और इंग्लैंड में कोई टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ पे 50 साल के बाद भी कब्र खोदी जाए तो जहर के आसार मिल सकते हैं। आर्सेनिक पॉइजनिंग हैज
special significance because of its high content in various parts of the body. On postmortem analysis of exhumated bodies, our scanning jo hai ye apni iski jo khasiyat hai, iski jo alamat hain wo itni kehte special alamat hain iski. Ye aisa zeher hai jo kisi bhi surat mein iski high quantity jo hai wo body mein ya mukhtalif body ke jo parts hain wahan pe maujood hoti hai, aur ye aisa zeher hai jo कई सालों तक भी बॉडी में गलने सड़ने के बाद भी जमीन या जो मिट्टी जहां पे इसको दफनाया गया था वहां पर इसके आसार मिल सकते हैं. अच्छा जी, उसके बाद आप लोग आ जाइए जरा पेज नंबर 26 पे. सफोइना क्या होता है? सफोइना जो है नोटिस को या समन को कहा जाता है. जो सिंपल नोटिस या समन भेजे जाते हैं उन्हें हम समन या नोटिस के नाम से ताबीर करते हैं. लेकिन ऐसे समन या नोटिसेस जिनमें जो है वो बड़ी सख्ती के साथ बुलाया गया हो उसे हम सफोइना कहते हैं. अमूमन ये मेडिकल ऑफिसर्स के लिए जो है ये भेजा जाता है. It is a document compelling a witness to attend the said court on a given time and place and bring his reports along with the sapoina. Sapoina jo hai wo kisi bhi witness ko compel karne ke liye bheja jata hai ki wo lazmi taur par jis din ya jagah date par unhe court ke samne bulaya jaye wo apni tamam ta reports wagaira ke sath aur wo jo saman unko bheja jayega jise hum sapoina kehte hain uske sath wo court mein appear honge. Sapoina may be form सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट. सफोइना जो है सिविल कोर्ट भी भेज सकती है और क्रिमिनल कोर्ट भी भेज सकती है. कंडक्ट मनी क्या होती है? इट इज अ फी ऑफर्ड बाय द कोर्ट टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर टू कवर द नेसेसरी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. कंडक्ट मनी क्या होती है? जिस तरह हम किसी भी विटनेस को, अगर विटनेस को चाहते हैं कि वो कोर्ट में अपीयर हो और एविडेंस अपनी रिकॉर्ड करवाए तो उसके सफरी अखराजात वगैरह जो होते हैं वो अदालत में जमा करवाते हैं. तो इसी तरह से अगर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को एविडेंस के लिए बुलाया जाए तो फिर उसके सफरी अखराजात वगैरह जो होंगे वो अदालत में जमा करवाएंगे. आगे इसका सफरी अखराजात से रिलेटेड जो है ये आसान है, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं. अगर सफरी अखराजात उसको पूरे ना दिए जाए तो वो आने से इनकार भी कर सकता है. उसके बाद पनिशमेंट्स में क्या है? द कॉमन पनिशमेंट्स अलाउड बाय द लॉ अवॉर्डेड आर डेथ, हैंग्ड बाय द नेक टिल डेथ. ये मेरा ख्याल है कि 369 या 368 जो है या 7 जो है उसमें ये वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं कि जब डेथ सेंटेंस पास की जाएगी तो स्पेसिफिकली वहां पे वर्ड्स लिखे जाते हैं हैंग्ड बाय द नेक टिल डेथ. दूसरे नंबर पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है. तीसरे नंबर पे इम्प्रिजनमेंट फॉर सम टाइम बट लेस सेवियर देन द लाइफ इम्प्रिजनमेंट पार्ट ऑफ इट. ये जो है वो डेथ की सूरत में है. नीचे फिर पेज नंबर 27 पे ही मेडिकल एविडेंस की कितनी किस्में होती हैं? दे आर ऑफ टू टाइप्स, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ओरल एविडेंस दिस में भी डायरेक्ट विच इज एन, ये आप खुद पढ़ सकते हैं. ओरल एविडेंस जो खुद एक मेडिकल ऑफिसर आके कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा बोल के, वो ओरल एविडेंस होगी जिसे डिड्यूस्ड इन राइटिंग जो अदालत में फिर उसको लिख लिया जाता है. या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दीज कंस्टिट्यूट्स मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ इल हेल्थ. ये जो रिपोर्ट्स मेडिकल ऑफिसर्स की होती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट या किसी की बीमारी से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी जो है ये इसमें आ जाएंगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में. अ मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट बी साइंड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक तो रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर होना चाहिए जो प्रैक्टिस करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. दूसरे नंबर पे ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिकली ऑथोराइज्ड हो. हर डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं कर सकता, हर डॉक्टर जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना सकता. जो ऑथोराइज्ड होते हैं मेडिकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से वो ही पोस्टमार्टम कर सकते. यूजुअली द मेडिकल सर्टिफिकेट इज टेकन एज अ पीस ऑफ एविडेंस एंड द इंडिविजुअल इज नॉट कॉल्ड टू द कोर्ट. जो किसी भी डॉक्टर का जो
सर्टिफिकेट होता है वो ही एक तरह से समझ लें कि वो एविडेंस होती है और एडमिसिबल होता है. इफ द जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफिकेट इज डाउटेड देन द डॉक्टर कैन बी कॉल्ड. और अगर अदालत को इस बात का खदशा लाहक हो जाए कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये जाली भी हो सकता है, तो फिर वो उस मेडिकल ऑफिसर को जिसने वो इशू किया होता है उसको बुलाया भी जा सकता है. अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, ह्यूमन बॉडी एलिमेंट्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 जो है ये ज्यादातर जो है ये हड्डियों के बारे में है. ये जितनी भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये स्केल्टन, और स्केल्टन किन हड्डियों से किन जोड़ों से बना है या जिस्म के अंदर कितनी किस्म की हड्डियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ पर वाकया हैं, ये तमाम ये जो चैप्टर है इन तमाम हड्डियों के बारे में बात करता है. फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्केल्टन. स्केल्टन जो ढांचा होता है वो एंड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 206 बोन्स. इंसानी जो ढांचा है उसमें टोटल 206 हड्डियां होती हैं. द स्केल्टन इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड द लिम्स. अब स्केल्टन यानी जो ढांचा है वो कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3, हेड सर धड़ और लिम्स टांगे वगैरह, टांगे और बाजू. द सपोर्टिंग बोन्स आर दोज ऑफ द लेग्स एंड द बैकबोन. सपोर्टिंग बोन्स में कौन सी हड्डियां शामिल हैं? टांगे और जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो इस स्केल्टन को सपोर्ट करती हैं या मददगार साबित होती हैं खड़ा होने में. द प्रोटेक्टिंग बोन्स आर दोज कॉल्ड द स्कल, द पेल्विस एंड रिब्स एंड द बैकबोन. प्रोटेक्टिंग जो हिफाजती हड्डियां हैं, हिफाजती हड्डियां कौन सी? एक तो स्कल, क्योंकि स्कल जो है खोपड़ी जो है ये दिमाग की हिफाजत करती है. दूसरे नंबर पे पेल्विस, पेल्विस जो है ये कूल्हे की जो हड्डियां होती हैं ये पेट के अंदर जितने भी अज़ा होते हैं इनकी हिफाजत करती हैं. रिब्स जो पसलियां हैं ये फेफड़ों की, दिल की, स्टमक वगैरह जो हैं, लीवर किडनी वगैरह इनकी हिफाजत करने के लिए हैं. एंड बैकबोन, बैकबोन जो है ये सपोर्ट ये जो है ये जिस्म को, ये जो फेफड़े वगैरह होते हैं ये सारे, क्योंकि पूरी की पूरी जो है वो पेल्विक बोन के साथ जुड़ती हुई ऊपर स्कल के साथ जुड़ती है और ये भी प्रोटेक्टिव बोन कहलाती है. उसके बाद हेड इंक्लूड्स द पार्ट इनक्लोजिंग द ब्रेन. हेड क्या है? इनक्लोजिंग द ब्रेन, दिमाग को जिस चीज ने इनक्लोज किया होता है, बंद किया है आपस में, मतलब के दिमाग जो है जिसको एक लपेट के या फिर अपने अंदर जिसने बंद किया हुआ है उसको हम कहते हैं क्रेनियम. क्रेनियम क्या है? ये सर की जो खोपड़ी है इसको हम क्रेनियम कहते हैं. एंड द फेस, और दूसरे नंबर पे क्या है? फेस, चेहरे की हड्डियां और जो खोपड़ी की हड्डियां हैं जो क्रेनियम है, इन्होंने दिमाग को एक तरह से इनक्लोज किया हुआ है, बिल्कुल बंद किया हुआ है. The former containing 8 bones and the later 14. Former cranium, यानी जो खोपड़ी की हड्डियां हैं वो 8 हैं और जो फेस की हड्डियां हैं वो 14 हैं. इनकी आप लिस्ट बना लीजिएगा हड्डियों की के कहां कहां पे कितनी हड्डियां मौजूद हैं, और फिर इनके आगे नाम भी जो हैं वो याद करने हैं किस हड्डी का क्या नाम है. एंड द फेस, अच्छा यहाँ पे हो गया 8 हड्डियाँ खोपड़ी की और 14 हड्डियाँ जो है ये फेस की होती हैं. द 8 बोन्स ऑफ द क्रेनियम आर द फ्रंटल, 2 पैरिटियल एंड ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, द फेनाइड एंड एथमोइड. ये हड्डियों के नाम हैं, ये जो 8 हड्डियाँ हैं खोपड़ी की, ये 8 खोपड़ी की हड्डियों के नाम हैं. यहाँ पे 2 जो फ्रंटल सामने, इसके अलावा साइड पे, और फिर कान पट्टी की जो हड्डियां हैं ये सारी सर के पीछे की जो हड्डियां हैं जो ऊपर गोल हड्डियां हैं जो जोड़ती हैं खोपड़ी को, ये सारी हड्डियों के नाम हैं. द शेप एंड साइज ऑफ स्कल एंड द रिलेटिव प्रोमिनेंस ऑफ बोन्स फॉर्मिंग द वॉल्ट वेरीज फ्रॉम रेस टू रेस.
खोपड़ी है इसकी जो शक्ल या इसका जो साइज है ये नस्ल पर भी डिपेंड करता है। बाज नस्लों में खोपड़ियां जो हैं उनका साइज बड़ा होता है, बाज में छोटा होता है। बाज नस्लों में, नस्लों से मुराद ये, जैसे अगर आप नेग्रोस को देख लें, नेग्रोस की जो खोपड़ियां होती हैं वो बड़ी होती हैं। इस लिहाज से अगर चाइनीज देखी जाए, चाइनीज नस्ल जो है उसकी जो खोपड़ियां हैं ये छोटी होती हैं। तो नस्लों के ऊपर खोपड़ियों के जो साइज हैं वो नस्लों पे डिपेंड करते हैं। द बोन्स ऑफ द हेड फॉर्मिंग द स्कल आर 22 इन नंबर, 14 ऑफ विच आर इन द फेस। ये टोटल खोपड़ी, चेहरा और खोपड़ी दोनों मिला के इनमें 22 टोटल 22 हड्डियां हैं, जिसमें 8 खोपड़ी की और जो 14 हड्डियां हैं वो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं फेस की हैं। दीज बोन्स फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स कंटेनिंग द ब्रेन। ये एक बॉक्स बनाती हैं ये सारी हड्डियां मिलके, जिसके अंदर दिमाग पाया जाता है, विच इज द सीट ऑफ द इंटेलिजेंस जजमेंट एंड ऑफ द विल। और दिमाग क्या है? किसी की समझदारी, उसकी जो जजमेंट या फिर इंटेलिजेंस वगैरह का सारा दारोमदार जो है वो इसी दिमाग के ऊपर पाया जाता है, या उसकी बेस समझ लें कि दिमाग है। उसके बाद द स्किन फिट्स टाइटली टू द बॉडी एंड कवर्स एवरी पार्ट ऑफ इट। जो स्किन है वो जिस्म को बड़ी मजबूती के साथ उसने टाइटली इसको कवर किया हुआ है। इट कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स, एन आउटर लेयर कॉल्ड द एपिडर्मिस एंड द इनर लेयर कॉल्ड द डर्मिस। और स्किन, स्किन की दो परतें हैं, एक आउटर लेयर जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, ये जो ऊपरी हमारी स्किन के ऊपर जो तह होती है जिसमें मसाम पाए जाते हैं, और इसके अलावा उसके जो नीचे लेयर है वो डर्मिस कहलाती है या स्किन कहलाती है। और ये जो स्किन होती है इसी के अंदर खून की छोटी छोटी नालियां मौजूद होती हैं। एपिडर्मिस इज टफ, हैज नो नर्व्स एंड देयरफॉर नो फीलिंग। ये जो ऊपरी तह है हमारी स्किन की, इसमें किसी तरह की जो है वो कोई, ये सख्त होती है, किसी तरह की इसमें नर्व्स या फिर वेन्स वगैरह नहीं पाई जाती। अमूमन ऊपर वाली स्किन जो है वो छिल के उतर भी जाए तो हमें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इसमें नर्व्स नहीं होती जो तकलीफ दिमाग तक पहुंचाती हैं, और इस वजह से फीलिंग भी नहीं होती। इट इज कॉन्स्टेंटली बींग रब्ड वॉर्न अवे एंड रिन्यूड एंड इज वेरी थिन। ये बहुत पतली होती है, ये रब मतलब रब करके ये उतारी भी जा सकती है। बार दफा होता है आप कोई काम करते हैं किसके नतीजे में हाथों की स्किन उतरना शुरू हो जाती है, इंतहाई खुश्की की वजह से भी हाथों की स्किन जो है वो उतरना शुरू हो जाती है। तो ये वही होती है स्किन एपिडर्मिस, जिसके उतरने से हमें किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होता और कोई तकलीफ भी नहीं होती। और फिर ये डेड स्किन की सूरत में जब ये लेयर उतर जाती है तो फिर नई स्किन जो है वो इसकी जगह लेने के लिए आ जाती है। अच्छा जी, द डर्मिस इज थिक एंड टफ। अब डर्मिस जो है इसी स्किन के नीचे, जो असल जिसको हम स्किन कहते हैं, उस स्किन का नाम है डर्मिस। डर्मिस जो है ये थोड़ी सी थिक है, टफ सख्त भी है। इट आल्सो कंटेन्स द रूट्स ऑफ द हेयर, इसमें बालों की जड़ें पाई जाती हैं। इन इट इज फॉर्म्ड द परस्पायरेशन दैट ब्रस्ट्स आउट थ्रू द पोर्स, मोर देन अ मिलियन इन नंबर इन द आउटर स्किन। अब इसके अंदर जो पोर्स मौजूद होते हैं, इसी स्किन के अंदर पोर्स या सुराख जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो के स्किन के अंदर से या स्किन के बाहर से अगर किसी तरह की कोई रुतूपत खारिज होती है तो इन्हीं सुराखों के जरिए खारिज होती है, और अगर कोई चीज स्किन के अंदर जजब होती है तो वो भी इन्हीं पोर्स के जरिए जजब होती है, और ये मिलियंस की तादाद में होते हैं। एंड ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑयल विच कम्स थ्रू द पोर्स एंड मेक्स द स्किन सॉफ्ट एंड प्लायबल एंड कीप्स इट फ्रॉम गेटिंग ड्राई एंड क्रैक्ड। अब ये जो अंदरूनी स्किन है, अंदरूनी स्किन के अंदर होता क्या है, खून की छोटी छोटी नालियां होती हैं, इसके अलावा बालों की जड़ें इसमें होती हैं, और स्किन का एक मखसूस जो ऑयल होता है, स्किन ऑयल जो है वो भी इसी से ऊपर तक निकलता है। ये अक्सर अगर ज्यादा वो खराबी की सूरत में निकले तो फिर वो सीबम कहलाता है, जिसकी वजह से अमूमन पिंपल्स वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो एक नेचुरल क्वांटिटी है
जितना ऑयल स्किन से निकलना जरूरी है ताकि हमारी जो ऊपरी परत होती है, ऊपर वाली जो परत है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, वो सॉफ्ट रहे। अमूमन अक्सर जो है वो कोई किसी ऐसी चीज में हाथ डालने से, जैसे सरफ की अगर आप एग्जांपल ले लें, ज्यादा देर तक अगर हाथ सरफ में रहते हैं तो हाथ जो है वो ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि वो जो ऑयल होता है, जो नेचुरल ऑयल हमारी स्किन से निकल रहा होता है, वो बहुत ज्यादा रिमूव हो जाता है, धुल जाता है। तो उसके धुलने की वजह से हमारे हाथ जो है वो जरूरत से ज्यादा सख्त भी हो जाते हैं, और बाज दफा ऊपर वाली जो स्किन होती है वो इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है कि वो उतरना शुरू हो जाती है। द स्किन प्रोटेक्ट्स ऑल द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो स्किन है, जो आउटर और इनर लेयर दोनों मिलके ये जिस्म के अंदरूनी जितने भी पार्ट्स हैं ये उनकी हिफाजत करती है। बीइंग इलास्टिक इट अलाउज फ्री प्ले टू द मसल्स अंडरनीथ इट। ये इलास्टिसिटी यानी इसमें लचक होती है, और लचक की वजह से हम बड़ी आजादी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम कोई स्ट्रेचेबल कपड़ा पहनते हैं तो बड़े आराम से किसी भी जगह मूव किया जा सकता है। लेकिन अगर वो स्ट्रेचेबल कपड़ा ना हो या तंग हो, तो फिर मूव करना, चलना फिरना, उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड पेरिफेरियल ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम्स जो हैं ये नर्व्स पर मुश्तमिल है। नर्वस सिस्टम दिमाग का जितना भी हमारा, जिसमें नर्व्स पाई जाती हैं, नर्व्स पर और पेरिफेरियल ऑर्गन्स जहाँ तक नर्व्स जाती हैं, काम करती हैं, दिमाग के जो ऑर्गन्स हैं या जिस्म के वो ऑर्गन्स जिन तक दिमाग बआसानी अपने जो राबते हैं वो कायम करता है, सिग्नल्स आना जाना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा है मोस्ट ऑफ द नर्व्स सेंटर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ज्यादातर नर्व्स कहाँ पाई जाती हैं? दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? दिमाग के पीछे जो रीढ़ की हड्डी और दिमाग के दरमियानी जो इलाका है उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। दे आर प्लेस्ड इन द कार्नियल कैविटी एंड द स्पाइनल कैनाल। ये होती कहाँ पे है? कार्नियल कैविटी कौन सी है? दिमाग की जो ऊपर एक तो गोलाई, गोलाई के बाद नीचे जो एक वो दिमाग का जो है वो एक हिस्सा शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर नीचे ये रीढ़ की हड्डी तक चला जाता है। द ब्रेन और एनसेफलन इज कंटेन्ड इन द कैविटी ऑफ द स्कल। दिमाग जो है जिसे जिसका दूसरा नाम, मेडिकल नाम जो है इनसेफलन भी है, इनसेफलन जो है ये दिमाग भी, दिमाग को भी कहते हैं। अब ये उसके अंदर खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। खोपड़ी की जो कैविटी होती है इट इज डिवाइडेड इनटू मेड्यूला ऑब्लॉगेंटा पोन्स और ब्रिज सेरिब्लम और लिटिल ब्रेन एंड सेरिब्रम। अब ये दिमाग के हिस्से हैं। दिमाग जो है ये मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है। हर हिस्सा जो है ये कोई ना कोई काम इसके जिम्मे कुदरत ने लगाया हुआ है। एक हिस्सा चीजों को मेमोराइज करने के लिए है, एक हिस्सा जो है वो यूरिनरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एक निजामे जो हजम है उसको, एक जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को। तो ये जितने भी दिमाग के हिस्से हैं इन तमाम हिस्सों का कोई ना कोई, कुदरत ने इनकी कोई ना कोई जो है वो लाजमी तौर पे जिम्मेदारी लगाई हुई है। इनके नाम जो है वो आप याद कर लीजिएगा, दिमाग के जितने भी हिस्से हैं। The eyeball or the organ or vision consists of an external coat called the sclerotic, which is opaque, and the cornea, which is transparent. अब eyeball आँख की जो आँख का जो क्या उसको हम कह सकते हैं, eyeball आँख जिसको पंजाबी में तो हम डेला कहते हैं। और द ऑर्गन और विजन कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल कोट। और विजन जो नजर है ये किस पर मुश्तमिल है? कार्ड दी सेक्लिरोटिक विच इज ओपैक। ये गैर शफाफ जो है, ओपैक मतलब गैर शफाफ एक अज्सा है जो आँख के पीछे, ये बिल्कुल वाइट हिस्सा जो हमारी आँख का है ये, और इसके बिल्कुल सामने लगा होता है कॉर्निया। कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट है, जहां से हम देखते हैं, और इसी कॉर्निया के पीछे आपकी आंख के पट्टे हैं जिसे हम पुतली कहते हैं, और पुतली जो है वो सिकुड़ती या फैलती है जिसे हम अपनी आंख से भी देख सकते हैं। द कॉर्निया इज अ ग्लास लाइक कवर। कॉर्निया जो है ये ग्लास लाइक, बिल्कुल ग्लास शीशे की तरह
क्योंकि देखने का सारा काम यहीं से स्टार्ट होता है। जो वाइट हिस्सा है हमारी आंख का, वो देखने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन वो आंख के पट्ठों को सपोर्ट कर रही होती है, या वो आंख के पट्ठों को या नर्व्स की हद तक जो है वो सारा एरिया जो है वो काम करता है। लेकिन जो बेसिक जो हमारी विजन के लिए जो ऑर्गन्स काम करते हैं वो कॉर्निया होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट शीशा है, इसी शीशे के पीछे आंख की जो पुतली है, जो जिसके पट्ठे सिकुड़ते या फिर फैलते हैं, और वहां से फिर जो अक्स होता है वो पीछे दिमाग के पर्दे पे जाके बनता है। द एयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, ये इतनी डीपली क्योंकि ना हमसे पूछा जाएगा और ना ही इतना डीपली जो है हम इस चीज को, डॉक्टर्स भी नहीं हैं और ना ही हम लोग डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, लेकिन ये वो जो जिसको हम कहते हैं ना एक बादी नजर में, इतना आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या होती हैं। द एयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, कान के तीन हिस्से हैं, नेमली द एक्सटर्नल एयर, बैरूनी कान विच इंक्लूड दी ऑरिकल, ऑरिकल द मिडल एयर और टाइम्पैनियम, एंड द इंटरनल एयर कॉल्ड लेब्रिनिथ। ये कान के तीन हिस्से, और तीनों हिस्सों के जो नाम हैं, एक तो बैरूनी कान, दरमियानी, और फिर अंदरूनी कान जो है। द मिडल एयर और टाइम्पैनियम कमेंसेस फ्रॉम द ड्रम और टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इंक्लूड्स थ्री ऑसिकल्स और एयर बोन्स। थ्री ऑसिकल्स और एयर बोन्स, कान की तीन हड्डियों पर मुश्तमिल जो दरमियानी कान है, ये कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से कान का पर्दा जो है शुरू होगा, वहीं से दरमियानी कान शुरू होगा, और इसमें तीन हड्डियाँ मौजूद होती हैं। थ्री ऑसिकल्स और एयर बोन्स, ये ऑसिकल्स एयर बोन्स का दूसरा नाम है, इसको हाईलाइट कर लें। अमंग द ऑर्गन्स एसेंशियल टू द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ इज द ब्रेन व्हिच इज लोकेटेड इन द हेड। जिंदगी की जो सबसे अवलीन जो गारंटी है वो दिमाग से ही होती है। फ्रॉम द ब्रेन स्पाइनल मैरो गोज टू द स्पाइनल कैनाल एंड द साइड्स ऑफ हेयर्स और इस। अच्छा, अब यहाँ पे इसको जो है ये पूरी एक डिटेल बताना शुरू हो गए हैं कि दिमाग जो है वहां से जो वो स्पाइनल कोर्ड तक ये जारी होती है, बोन मैरो जिसको हम कहते हैं, ये दिमाग से जो रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर मैरो बनता है। अच्छा, अब इसको हम छोड़ते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं अगला जो आपका पेज नंबर 36 है। 36 के ऊपर एक स्केल्टन बना हुआ है, और स्केल्टन के साथ जो है वो हड्डियों के जो मोटी मोटी या जिसको कहें मेन हड्डियां हमारे जिस्म की, ये उनका सबसे पहले दिमाग की हड्डियों के नाम यहाँ पे बता दिए गए हैं। एक तो फ्रंटल बोन जो माथे की हड्डी है, उसके बाद टेम्पल बोन, कन पट्टियां जिसको हम कहते हैं, फिर पेरेंटियल बोन जो है ये जो दिमाग की गोलाई ऊपर से खोपड़ी की जो ऊपर वाली गोलाई होती है वो, उसके बाद जबड़े की हड्डियां हैं, मैक्सिलरी बोन्स कहलाती हैं, गालों के साथ जो जबड़े के साथ जबड़ा और गालें वगैरह जो है ये इकट्ठी जुड़ी जा रही होती हैं सीधी, इनको मैक्सिलरी बोन्स कहते हैं, जबड़े या गाल की जो हड्डियां हैं वो। उसके बाद क्लेविकल बोन्स, क्लेविकल बोन्स कौन सी हैं? जो हंसली की हड्डियां होती हैं, ये बिल्कुल हमारे कंधे और गर्दन के बिल्कुल दरम्यान में जो आपको एक उभरी हुई हड्डी नजर आती है ये क्लेविकल बोन कहलाती है। उसके बाद क्लेविकल बोन के बाद जो है ये स्कैपुला, स्कैपुला जो है ये कंधे की हड्डी है, ये वो हड्डी जो कंधे को इसी हड्डी के साथ, कैल्विक हड्डी के साथ बाजू को जोड़ती है। उसके बाद रिब्स हैं, रिब्स के बाद ह्यूमेरस, ह्यूमेरियस जो है ये बाजू की जो लंबी हड्डी है उसको ह्यूमेरियस कहा जाता है। और इसके बाद फिर जो निचला बाजू है इसकी मजीद दो हड्डियां हैं, एक है अल्ना और एक है रेडियस। रेडियस जो होती है ये जो हमारी बाजू का अगला हिस्सा है, जो अंगूठे की तरफ ऊपर वाली हड्डी है, इसे हम कहते हैं रेडियस। और जो नीचे छोटी जो छिंगली उंगली जिसको हम कहते हैं उसकी तरफ जो हड्डी है उसे हम कहते हैं अल्ना। ऊपर वाले बाजू की तरफ जो हड्डी है वो रेडियस है, और जो निचली साइड पे, क्योंकि जो अगली कलाई है, कलाई में दो हड्डियां होती हैं, और जो कंधे से कोहनी तक जो हिस्सा है उसमें सिर्फ एक हड्डी पाई जाती है। उसके बाद स्टर्नम है, स्टर्नम जो होता है ये वो हड्डी है जो बिल्कुल सीने के ऊपर होती है,
और इसी स्टर्नम के साथ जो पसलियां हैं, कुछ पसलियां इसी स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं और यही स्टर्नम जो है वो पीछे बैकबोन जो है उसके साथ भी जुड़ा होता है। फिर पेल्विक बोन्स बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के साथ जो आखिरी सिरे होते हैं रीढ़ की हड्डी के, उनके साथ पेल्विक बोन जुड़ी है और पेट के जितने अजा हैं अंदरियां स्टमक वगैरह ये इसी जगह पे मौजूद होता है। उसके बाद पेल्विक बोन के बाद नीचे जो है वो पतीला है। पतीला क्या है, ये जो घुटने के ऊपर जो एक गोल सी जो हड्डी बिल्कुल ऊपर वाली जो परत है हड्डी की, इसको पतीला कहा जाता है। उसके बाद कार्पल बोन्स ये जो हाथ की हड्डियां हैं इसको हम कार्पल बोन्स कहते हैं। हाथ के अंदर जितनी भी हड्डियां होंगी ये सारी कार्पल बोन्स कहलाती हैं। फिर है फीमर। फीमर जो है ये कूल्हे की हड्डी जो लंबी हड्डी आ रही होती है इसे हम फीमर कहते हैं। ये जिस्म के अंदर इंसानी जिस्म के अंदर सबसे बड़ी हड्डी है। उसके बाद है टिबिया। टिबिया जो है ये सामने वाली जो नीचे टांग है कूल्हे से नीचे घुटने से नीचे जो टांग है पिंडली जिसको हम कहते हैं, पिंडली के अंदर भी दो टांगे दो हड्डियां हैं। जिस तरह जो कलाई है कलाई के अंदर दो हड्डियां, इस तरह से जो पिंडली है इसमें भी दो हड्डियां हैं। जो सबसे पहली सामने वाली जो हड्डी होती है ये टिबिया कहलाती है। अक्सर इसको शाइन बोन भी कहा जाता है। और जो पिछली हड्डी है पिंडली की उसे हम फेब्यूला कहते हैं। पिछली हड्डी को फेब्यूला और जो सामने वाली बिल्कुल हड्डी है ये टिबिया या शाइन बोन कहलाती है। और उसके बाद पैरों की तरफ अगर हम चले जाएं तो ये एंकल बोन है जो टखने की हड्डी कहलाती है, ये एंकल बोन कहलाती है। इन हड्डियों की पहचान और इनके नाम जो है वो आपने याद करने हैं। आगे जो है ये स्कल की डायग्राम यहाँ पे दी गई है 37 में। द स्पाइन और द स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ बोन्स विद वर्टिब्रास। ये जो रीढ़ की हड्डी में जो मोहरे जिसको हम कहते हैं ये मोहरे दिमाग तक जाते हैं। दिमाग तक स्पाइनल कॉर्ड जो है उस पर भी ये मोहरे बने होते हैं। इट लाइज इन द मिडल ऑफ द बैक ऑफ द नेक एंड द ट्रंक। जो धड़ है उसके साथ जो धड़ के अंदर जो स्पाइनल जो रीढ़ की हड्डी है उसके साथ ऊपर और गर्दन के पीछे बिल्कुल दिमाग के बिल्कुल नीचे जो गर्दन का हिस्सा है वहां पर ये मौजूद होते हैं। वर्टिब्रास दी क्रेनियम इज एट दी समिट। क्रेनियम जो है ये उसके बाद शुरू होती है, यानी क्रेनियम जहाँ पे खत्म खोपड़ी जहाँ पे खत्म होती है वहीं से ये वर्टिब्रास जो है ये स्टार्ट हो जाते हैं। द रिब्स आर एट दी साइड्स। और जो रिब्स हैं जो पसलियां हैं वो इसी बैकबोन के जो मोहरे हैं नीचे वाले जो ट्रंक पे मोहरे होते हैं इनके आसपास साइड्स पे पसलियां मौजूद हैं। इन अ यंग चाइल्ड द स्पाइन कंसिस्ट ऑफ 33 बोन्स एंड इन एन एडल्ट पर्सन द स्पाइन कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स। अगर छोटा सा बच्चा है तो उसके अंदर ये जो बोन्स हैं ये जो स्पाइन यानी जो बैक की जो हड्डी है इसके जो मोहरे या हड्डियों की जो तादाद है वो 33 है छोटे बच्चों में। ये अपने जो है इसको जरा थोड़ा सा याद रखिएगा, छोटे बच्चों में इन मोहरों की या इन हड्डियों की तादाद 33 है जबकि बड़ों में इनकी तादाद जो है ये 26 है। और ये 26 बड़ों में किस तरह से हो जाती है, हड्डियां जो है छोटे बच्चों में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जब हम बड़े होते जाते हैं तो यही हड्डियां जो है ये एक जो डिफ्यूजन का अमल होता है उसके नतीजे में ये दो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो मिलके एक ही हड्डी बन जाती है। तो जब तक हम बड़े होते हैं ये छोटी छोटी हड्डियां एक एक हड्डी की सूरत में जब डिफ्यूज होती हैं तो फिर इनकी जो तादाद है वो कम हो जाती है। दीज आर 7 वर्टिब्रास ऑन द नेक कॉल्ड सर्विकल वर्टिब्रास। गर्दन पे 7 वर्टिब्रास होते हैं और इनको सर्विकल वर्टिब्रा कहा जाता है। 7 वर्टिब्रा जो गर्दन पे हैं और उनको कहा गया जाता है सर्विकल। देयर आर 12 वर्टिब्रास ऑन द चेस्ट कॉल्ड डोर्सल और थोरेसिक। 12 वर्टिब्रा होते हैं चेस्ट पे 12 वर्टिब्रास होते हैं जिन्हें डोर्सल या थोरेसिक कहा जाता है। देयर आर 5 वर्टिब्रास ऑफ लाइनस कॉल्ड अ लंबर वर्टिब्रा।
और इसके बाद पांच जो वर्टिब्रा जो होते हैं वो नीचे होते हैं, जिन्हें हम लाइंस या फिर लंबर वर्टिब्रा कहते हैं, जो कमर की जो हड्डियां या कमर के जो मोहरे होते हैं। ये फाइव वर्टिब्रा फ्यूज टुगेदर इन ए एडल्ट इनटू अ सिंगल बोन कॉल्ड अ सैक्रम। अच्छा, अब ये जो पांच हड्डियां जो हैं ये एडल्ट पर्सन में ये इकट्ठी डिफ्यूज होती हैं। जब ये इकट्ठी डिफ्यूज होती हैं तो फिर ये एक ही हड्डी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिसको हम कहते हैं सैक्रम। सैक्रम क्या है? ये बिल्कुल एंड पे जो बैकबोन है, बिल्कुल इसके बिल्कुल एंड पे जाके ये हड्डी जो है ये एक नोकदार शक्ल इख्तियार कर लेती है, इसे हम सैक्रम कहते हैं। और वहां पर जाके जो बैकबोन है ये खत्म हो जाती है, क्योंकि उसी के पास पैल्विक बोन जो है ये जुड़ जाती हैं। दीज आर फोर वर्टिब्रास ऑफ द टाइप कार्ड ऑक्सीजियल और कॉर्डियल। ये चार वर्टिब्रास होते हैं जिनको ऑक्सीजियल या कॉर्डियल कहा जाता है। द एवरेज लेंथ ऑफ द स्पाइन इज 28 इंचेस, 28 इंच लंबी होती है आपकी जो नॉर्मल बैकबोन की जो हड्डी है वो 28 इंच लंबी है, ये पॉइंट आउट कर लें। थॉरेक्स और चेस्ट इज अ कैविटी, द वॉल्स ऑफ विच आर ऑफ फर्म बोन्स एंड कार्टिलेजेस। थॉरेक्स या चेस्ट, छाती की जो हड्डी है ये, क्योंकि एक जो हड्डी है ये कैविटी से मना दिए कि इस हड्डी के अंदर कैविटी है जहाँ पे फेफड़े या दिल मौजूद होता है। इट्स स्केलेटन कंसिस्ट्स ऑफ अ स्टर्नम इन बिहाइंड 12 डोर्सल वर्टिब्रा आर इन फ्रंट एंड 12 रिब्स ऑन ईच साइड। अब इसी स्केलेटन के पास ये जो कैविटी चेस्ट थॉरेक्स या चेस्ट कैविटी है, यहीं पर स्टर्नम मौजूद है। स्टर्नम जो बिल्कुल सीने की हड्डी जो होती है इसको स्टर्नम कहते हैं। इसी स्टर्नम के पीछे 12 डोर्सल वर्टिब्रा, 12 डोर्सल कहते हैं बैक साइड पे जो है, पिछले जो वर्टिब्राज होंगे चेस्ट के पीछे जो जुड़े होते हैं बैकबोन के साथ, उन्हें हम डोर्सल वर्टिब्राज कहते हैं। ये 12 हैं और सामने से ये 12 पसलियां जो हैं ये इसी स्टर्नम के साथ और पिछले ये जो 12 डोर्सल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। जी, अमूमन जो एक एवरेज जिसको हम कहते हैं ना, एवरेज लेंथ ये 28 इंच है। बाज की छोटी बड़ी भी हो सकती है, ये कद के ऊपर भी इसको ये डिपेंड करती है। जिन लोगों का कद बड़ा है वो अमूमन जो है वो 28 इंच, और इससे छोटे जो कद वाले हैं उनकी कम भी हो सकती है। अच्छा, जिसके बाद द स्टर्नम और ब्रेस्ट इज एलोंगेटेड एंड इज इंक्लाइंड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड्स इन द फ्रंट वॉल ऑफ द चेस्ट। ये जो स्टर्नम है, छाती की जो हड्डी होती है, ये इसी हिसाब से यहाँ पे ये हड्डियां जो हैं, पसलियां जो हैं, ये नीचे या ऊपर की तरफ ये मुड़ी हुई होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, द अपर पार्ट कॉल्ड मैनुब्रियम, द मिडल पार्ट इज द बॉडी ऑफ द मेसोस्टर्नम एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड जिफी स्टर्नम। जिफी स्टर्नम बिल्कुल एंड पे जाके, ये जो स्टर्नम है इसके तीन हिस्से उन्होंने बताया। एक शुरू वाले हिस्से जिसके साथ हंसली की हड्डियां और जो इब्तदाई पसलियां हैं वो जुड़ी होती हैं, एक दरमियानी हिस्सा है, और उसके बाद एक नीचे वाला हिस्सा जो है हिस्सा है जहाँ पे स्टर्नम की हड्डी जो है ये खत्म हो जाती है, जिसे हम जिफी स्टर्नम कहते हैं। और जो दरमियानी है उसे हम मैसो स्टर्नम कहते हैं, और जो सबसे ऊपरी ऊपरी जो इसका हिस्सा होता है वो मैनुब्रियम कहलाता है। नाम इसके जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं। उसके बाद देर आर 24 ribs, 24 पसलियां हैं, 12 ऑन ईच साइड ऑफ द थॉरेक्स, 12 एक साइड पे और 12 दूसरी साइड पे। द अपर रिब्स आर 7 अपर रिब्स आर कनेक्टेड टू द साइड ऑफ द स्टर्नम व्हाइल द लोअर 5 ribs डू नॉट रीच द स्टर्नम। जो ऊपर वाली 7 पसलियां हैं ये तो स्टर्नम के साथ सीधी सीधी आके जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बाद जो नीचे वाली हड्डियां हैं 5, ये स्टर्नम तक ये पहुंचती ही नहीं है, लिहाजा ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये बाकी की पसलियों के साथ आके एक इख्तितामी लाइन बना देती है। द स्कल और स्केलेटन ऑफ द हेड इज कंपोज्ड ऑफ 24 बोन्स, 24 हड्डियां स्केलेटन की, हेड जिसमें शामिल है ये 24 बोन्स
जो है वो उन पे मुश्तमिल है, 8 ऑफ विच फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ द क्रैनियम, 14 बोन्स जो हैं ये आ जाएंगी फेस के ऊपर, चेहरे की 14 हड्डियां और जो स्केलेटन जो स्कल है खोपड़ी है उसकी 8 हड्डियां। Fourteen bones are in the face, excepting the lower jaw, which is movable. आखरी हड्डी में ये 14 हड्डियों में आखरी हड्डी शामिल नहीं है, और वो कौन सी है? Lower jaw की। Lower jaw ये पूरे जिस्म में वाहद हड्डी है जो मूवेबल है, जिसके ऊपर हमारी ये थोड़ी और ये जो नीचे वाला जबड़ा है ये बना हुआ है। The other bones are firmly united by immovable bones. बाकी की जितनी भी हड्डियां हैं ये सारी की सारी इमूवेबल बोन्स हैं, यानी ये हरकत नहीं कर सकती। एक्सटीरियर वॉल ऑफ द क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय ऑसिपिटल बोन और द बोन ऑफ द बैक ऑफ द हेड। जो क्रेनियम की एक्सटीरियर वॉल बाहर वाली जो खोपड़ी की तह है वो ऑसिपिटल बोन से बनी हुई है। इन फ्रंट ऑफ द बेजल पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल bone is the sphenoid or the wing shaped bone. जो सामने वाली हड्डी है वो wing shape क्या होता है? एक वो दायरे नुमा जो जो हड्डी होती है ये वो होती है जो गोलाई की सूरत में खोपड़ी की जो गोलाई बनाती है। अच्छा, in front of the basal part of the spine is the ethmoid sieve like bone. अब ये sieve like क्या है? ये जो दिमाग के साथ की जो पिछली साइड पे जो दिमाग के साथ जो एक हड्डी है वो ऐसे अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, जैसे कि वो एक क्या उसको कहना चाहिए कि एक वो कमान की सूरत में ये हड्डी जो होती है ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट है, इसकी एक ही लाइन आगे इसी पैराग्राफ के नीचे, द हायोइड बोन लाइज इन द नेक एंड इट्स शेप इज लाइक लेटर यू। ये हायोइड बोन जो है इसको हाईलाइट कर लें, ये वो बोन होती है जो कि एक तो इसकी शक्ल यू जैसी है, और जब फांसी दी जाती है तो फांसी की सूरत में हायोइड बोन जो होती है ये टूटती हैं। ये दो तीन हड्डियां होती हैं, इनमें से एक जो है हायोइड बोन होती है ये टूट जाती है, इसको हम फ्लोटिंग बोन भी कहते हैं। हायोइड बोन जो है ये यू शेप में होती है और इसे हम फ्लोटिंग बोन भी कहते हैं। अच्छा, जहाँ पे हमने उसकी बैकबोन की जो एक लेंथ बताई थी 28 इंचेस, स्पाइन जो है इसकी जो लेंथ है वो 28 इंच है और इसके अंदर जो हड्डियां हैं वो 33 हैं, जो वर्टिब्रास या फिर जो मोहरे स्पाइनल जो बैकबोन के हैं इनकी तादाद 33 है, ये उसके साथ ही लिख लें। 28 इसकी लेंथ है और इसकी जो हड्डिया हैं ये 33 है। चले, आज तक इसको यहीं पे खत्म करते हैं और कल जो है इसका पेज नंबर 42 वहां से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश का लेक्चर भी आपका स्टार्ट होने जा रहा है। चलें जी, यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।